घुगुनी बनवाई मुझे मटर को 4-5 घंटा है पूरा भल भाव धोक बतुरैक रखी या संगे 3टा मीडियम सैज्र आलू को चोपा छड़े छोट छोट पीस कर रखी आदि आपड़ आगू मटर बतुरी ना और सांगे सांग मटर तरकारी बनवाई चाहूँगी तालोले आप गोटे को मटर को पूरा भल भाव मक्चिक धोने और अल्प किसी गरम पा देखिए आपको 30 मिनिट ना गोटे घंटा छाड़ देपारे अलग सैड में गैस अन् करके गैस फ्लेम को मीडियम रखिक गोटे प्रेसर कुकर में देदे 2-3 बड़ चमच सोरस तेल सोरस तेल में मटर तरकारी बहुत टेस्ट लगे खावाई तेल बहुत भल से गरम हो गले एदे 2 छोट चमच चीनी बहुत भल कलर आसपा संगे टेस्ट भी बहुत भल आए चीनी एमती नाली उपरक उठला 2टा शुखिला लंका को फाड़ करके या संगे गोटे छोट चमच पंचफुटन दे मटर तरकारी टेस्ट बहुत भल आसे अल्प किसी भृसंग पत्र आउ हाफ इंच डालचीनी देदे जमीक बहुत भल फ्लेवर आसवा संगे टेस्ट भी बहुत भल आस मन रखिए चीनी एमती उपरक उठला मात्रे ही गैस फ्लेम को बिल्कुल लोअर रखीदे सब को फटाफट आड करेंगे ना चीनी बहुत जल्दी फुड़ और तरकारी टेस्ट बिल्कुल खराब हो संगे 2टा मीडियम सैज्र कटा पिज को देदे पूरा भल भाव लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आसपा जाए बहुत भल से भाजी ना तीन मिनिट पर पिजटी बहुत भल कलर आसला और बहुत भले से भाजी सारा बास ये स्टेज में मुझे 2 बड़ चमच अदा रसुण पेस्ट या पिज संगे बहुत भले से भाजी ना जमीक यार कंचा स्मेल जीवरी पिज और अदा रसुण बहुत भले से भाजलापर मुझे देदे गोटे मीडियम सैज्र कटा टमाटो हाफ चमच हलदी गुंड गोटे 1/2 चमच लंका गुंड स्वाद अनुसार आपड़े रागर मात्रा को कम बेसी करेंगे आ गोटे छोटे चमच दे दूसरी मटन मसला दे यार टेस्ट बहुत भल आसे जदि ना आज आपड़ा चिकेन मसला ना तो खाली गरम मसला देखिए बन पारे संगे मटर आलू को देखिए ये देदे स्वाद अनुसार लुण आल्प टी पा देदे जमी मसला तले लगे सबको पूरा भल भाव गोल कभर करके छाड़देव किसी समयपाई जमीक टमाटो बहुत भले से सफ्ट हो मसला तेल छाड़ा स्टार्ट करदेव टोटल 5 मिनिट लो फ्लेम छाड़ला पर आप देख पारे कितने बढ़िया से तेल सब उपरक उठी आसी और टमाटो बहुत भल से सॉफ्ट मध्ये मसला बिल्कुल रेडी हो सारा बहुत बढ़िया बासना मध्ये आसला बस यही स्टेज रे गैस फ्लेम को बिल्कुल लो करदे सब मटर आलू को देखिए पूरा भल भाव आपको गोल नवा मटर को देखिए देदे अल्प किसी पानी बा गोटे 2 इंच उपरक मुझे पानी दे दूसरे आउ मटर बहुत भले से सीझिक तरकार बहुत भले टेस्ट आसपाई दे दूसरी हाफ चमच टू भी बहुत कम खावा सोडा या संगे गोटे छोटे चमच दे दूसरी गरम मसला आउ सब को बस हालकर गोल नवा आपको कभर करदे मीडियम फ्लेम 2टा सीटी और हाई फ्लेम देदे 2टा सीटी तापर आपको देखने टोटाल 4टा सीटी देखिए सब बांफ कला मोर कभर काढ़ी नौ आउ आप देखि पारे कितने बढ़िया कितने सुंदर कलर आसी और सब मटर कितने बढ़िया से सीझे ये मुझे एमती प्रेस करके देखा सब देखा जा पूरा पूरी गोटा गोटा कितु भितर बहुत बढ़िया से सॉफ्ट होकर सीझे आई झोलर कनसीस्टेन्सी ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी आपको जब बेस झोल दरकार तो आउ किसी गरम पा देखिए आउ किसी समय फुटे नहीं पारे कि बिल्कुल भी पा दौन कहीं मोर ये झोल बिल्कुल परफेक्ट बनी चाहिए बहुत ही बढ़िया कनसीस्टेन्सी अच्छी बस एवं आम सुपर टेस्टी घुगुनी मटर तरकारी बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडीगला तो आशा कर आज रेसीपी आपको बहुत पसंद आदि पसंद आहुत कम समय रे सेम प्रोसेस रे थरे निश्चय ट्राए करूँ एवं बनई टेस्ट कालापर आपत लगे आपण अनुभव मो संगे निश्चय सेयार करूँ आदि एजाए आप चैनल को सब्सक्राइब करनी तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करनी पाक बेल आइकन को प्रेस करनी जहाद्वारा ये नुआ नुआ रेसीपी नोटिफिकेसन आपजे पापर धन्यवाद।